नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं दाल पीठा यानी दाल की दुल्हन मैं बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैं एक कटोरी मसूर का दाल, आधा कटोरी मूंग का दाल, स्वाद अनुसार नमक और हल्दी, और मैं गैस को जला लेती हूँ। और कुकर रख के इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। और दाल को मैं धो लेती हूँ। मैं दाल को धो के, मेरा पानी भी गर्म हो गया, अब इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद इसमें मैं नमक और हल्दी, और इसमें थोड़ा उबाल आने के बाद मैं इसमें सीटी लगा दूंगी। तब तक मैं इधर का गैस जला के इस दाल को मैं इस पर रख देती हूँ। और इस पर मैं पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। इसमें थोड़ा सा तेल को लगा के इसमें मैं चढ़ा देती हूँ जो मैं पीठा बनाऊंगी। मेरा पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैं पीठा को बना लेती हूँ। इसे मैं आटा सान के इसे मैं छोटा छोटा लोई बना ली हूँ। और इसके बाद मैं इसे इसी तरह मैं छोटा छोटा पूड़ी बनाकर दाल दुल्हन को मैं इसी तरह मैं पूड़ी छोटा बनाकर इसे मैं मोड़ लूँगी। इसी तरह मैं बनाकर जब मेरा दाल उबल जाएगा इसे मैं स्टीम करके तब इसमें डालूंगी। वैसे तो इसमें दाल बनने के बाद मैंने इसको बनाकर पीठी को बनाकर इसमें डाला जाता है। अगर आपके पास यह नहीं हो खंड, तो आप कढ़ाई में पानी और चलनी जो आता है स्टील वाला, उसी को रखकर उसमें स्टीम करके आप इसमें दाल में डाल देंगे। इस तरह डालने से आपका परफेक्ट दाल पीठा भी बन जाता है, दाल भी हो जाता है। और उसको इसमें डालने से उसको 2-1 घंटा तक उसको उबालना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टूट फूट भी जाता है। अब पतला पतला इस तरह पतला पतला आपको अच्छा लगेगा, मोटा मोटा डालने पर ही इसमें दाल में मैंने टिकता है। तो मैं इसी तरह बना बना के इसमें मैं डाल देती हूँ। इसी तरह मैं बना लेती हूँ। अब मेरा दाल बनकर तैयार हुआ। इसे मैं गैस बंद कर देती हूँ और सीटी को निकाल देती हूँ। इधर मैं इसका भी गैस बंद करके
और मैं एक एक करके इसमें डाल दूंगी। मेरा दाल भी बन गया, मेरा इसको भी हम स्टीम कर लिए, इसको भी मेरा उबल गया। अब ये कितनी हेल्दी और टेस्टफुल लगेगा इसे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसे मैं एक बार चला देती हूँ। और इसे मैं ढक कर इसे मैं तड़का दे देती हूँ। इसे हींग और लहसुन और हींग का तड़का एकदम टेस्टफुल और बढ़ा देगा इससे। अब मेरा दाल का दुल्हन बनकर तैयार हुआ। अब इसे मैं आप लोगों के लिए सर्व करूंगी। देखिए अब मेरा दुल्हन पीठा एकदम खोल कर परफेक्ट हो गया है। इसे मैं अब बंद करती हूँ और इसे आप लोगों के लिए सर्व करती हूँ। बताइए मेरा दुल्हन पीठा कैसा लगा मेरा तरीका, और आप लोग इसे तरीका को अपनाइए और कमेंट में बताइए कि यह तरीका आप लोग को कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।